ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप लोगों ने तैयारियां कर ली हैं शुरू नवरात्रों के लिए, और मुझे पता है बहुत से साधक और साध्वी लग गए होंगे माता रानी को प्रसन्न करने में, तरह तरह की इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन लेने, मंत्र ढूंढने या कुछ पूजा में गलती ना हो जाए उसको सुधारने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ ढूँढने की ज़रूरत है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी यहीं इसी वीडियो में दूंगा, और मैं उन सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं, उन सबका जो कि ग्रुप में आ रहे हैं। और जो थोड़ी सी जगह बची है उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अगर एक बार ग्रुप फुल हो गया तो फिर ग्रुप में आना असंभव है, बिल्कुल उसमें लिमिट है। तो जितना जल्दी हो सके दुर्लभ सामग्री के ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे साथ ग्रुप में आप किसी भी तरह की अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, और हम आपको ग्रुप में ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर ग्रुप में रिप्लाई ना दें तो आप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी आसन कहाँ लगाना है, बैठना कहाँ है, क्या क्या सामान रखना है और क्या क्या ज़रूरी है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये हमारा पहला नवरात्र है और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी मदद करें, हमें बताएं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा और आप भी जान लीजिए, अगर आप भी नहीं जानते हैं कहाँ पर क्या होना चाहिए और कैसे आसन लगाना है और कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप ज़रूर जानिए और अपने आप को सुधार लीजिए अगर आपने कोई गलती की है। तो आपका जो आसन है वो लाल रंग का होना चाहिए, लाल रंग के आसन पे ही आपको बैठ के माता की अर्चना या पूजा करनी है। साथ ही आपके पास एक मिट्टी का पात्र ज़रूर होना चाहिए जिसमें कि आप अपने ज्यों या आप जो भी उसमें उगाना चाहते हैं, जो कि विधि अनुसार उगाई जाती हैं, वो आप उसमें उगा सकते हैं। और ध्यान रहे मिट्टी साफ़ हो, अच्छी जगह से हो, ऐसी जगह से ना हो जहाँ पर जानवर घूमते हों, साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी लाई गई हो। मिट्टी का बहुत प्रभाव पड़ता है, एक एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप काम चलाऊ काम ना करें, दिल से काम करें। जल से भरा हुआ कलश होना चाहिए आपके पास, एक कलश हो जिसमें कि पानी हो और उसके अंदर आप साफ़ पानी रखें, बिल्कुल जितना साफ़ पानी होगा उतना अच्छा होगा। ये जो कलश है इसमें ये ना हो कि आप टंकी का पानी भरें या कहीं, अगर साफ़ पानी आ रहा है, फ्रेश पानी है, तो वो भर के रखें। और आपके पास मूली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली और लाल सूत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लाल सूत्र, मूली, इलायची, लौंग, कपूर और रोली, इन सबको आपको एक साथ रखना है। उसके अलावा आपके पास साबुत सुपारी, साबुत चावल और सिक्के, माता रानी को भेंट करने के लिए आपके पास चांदी के सिक्के हों तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और क्योंकि चांदी पूर्णतः ही एकदम प्योर होती है तो चांदी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होगा। और आपके पास आम के पत्ते भी होने चाहिए, ज़रूरी है आम के पत्ते आपके पास होने चाहिए, आप 7 रख सकते हैं या 15 भी रख सकते हैं, और मिट्टी का ढक्कन एक है वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पानी वाला नारियल होना चाहिए। देखिए पानी वाले नारियल में बाल हैं, जो अच्छा हो, जिसमें पानी हो, वो नारियल लीजिए, और लाल कपड़ा या चुनरी या सिंदूर, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, और अगर तीनों लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात है। इसके अलावा आपके पास जो हैं वो ताज़े फल फूल और नवरात्र कलश आता है वो आपको लेना है, वो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, वो होती है अखंड ज्योत। अखंड ज्योति के लिए साफ़ किया हुआ पात्र होना चाहिए, मिट्टी का पात्र भी चलेगा या पीतल के आजकल दिए आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रुई से बनी हुई उसकी बत्ती होनी चाहिए, रोली या सिंदूर, और साथ में आप थोड़े से चावल भी ले सकते हैं जो कि अरवा चावल होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो आपको रखना है हवन के लिए, आपको हवन के लिए हवन कुंड मतलब रखना पड़ेगा जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, और आपको
लौंग का जोड़ा रखना है, यानी कि दो लौंग रखने हैं, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, पांच मेवे, चावल इत्यादि। ये सब तो वो चीज़ें हैं जो आपको रखना अनिवार्य हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप माता की चरणों में आप कुछ भी उनके सामने भेंट कर सकते हैं। माता रानी कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, ना कभी किसी का दिल तोड़ती हैं। वो तो सच्चियाँ जोता वाली माता हैं, लाडा वाली माँ हैं, और अगर आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मन मांगा वरदान देती हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले नवरात्रि के दिन, यानी कि आज के दिन, आपको पूर्णतः उनके ऊपर विश्वास करके अपने नवरात्रि को सफल बनाना है। माता के भजन ज़रूर सुनिएगा दिन में, जितना हो सके भजन सुनिएगा, और पूरे ध्यान मग्न होकर मतलब अपने भजन सुनने हैं। दुनियादारी के काम को आज थोड़ा अपने से दूर रखिए। आज का दिन जो है वो माता के लिए निछावर कर दीजिए, और जैसा कि मैंने आपको सामग्री वगैरह बता दी है, ये सामग्री वगैरह लीजिए और माता का जो आवाहन है वो शुरू करिए, और सुबह से ही आप पूजा में लगे रहिएगा, मगन रहिएगा। बहुत से साधक और साध्वी इस नवरात्रि पे ये उम्मीद रखे थे कि मैं उनको कोई ऐसा मंत्र दूंगा जो नवरात्रि पे ऐसा असर दिखाए कि बस वो देखते रह जाएं, तो उनके लिए मैं ज़रूर मंत्र लेके आया हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ध्यान मग्न होना है माता में। जब आप लीन हो जाएं, ध्यान मग्न हो जाएं, उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना है, ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद बोलना है, ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, सिर्फ आपको 3 बार जाप करना है पूजा अर्चना करते हुए, और हर नवरात्रि मतलब जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक आपको इसका जाप करना है, और नित्य ही जाप करना है। पूजा के प्रारंभ में भी कर सकते हैं, पूजा के अंत में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो माता से, अगर आपको मंत्र याद नहीं रहते या बोलने में उच्चारण में आप सही नहीं हैं, तो माता से हाथ जोड़ के आप अरदास कर सकते हैं या उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। माता हर किसी की प्रार्थना सुनती है, लेकिन क्यों किसी की प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं द्वेष या फिर हमारे मन में भाव आ जाता है कि शायद मेरी पूजा अधूरी रह गई है। माता आपके जो वैभव है उनसे प्रसन्न नहीं होती, माता आपके भाव से प्रसन्न होती है। यदि आप माता के दरबार में या माता को सच्चे दिल से प्रसन्न करें, दिल से उनकी पूजा करें, तो वो बहुत जल्दी आपको चमत्कारी रूप से जो है फल देने वाली हैं। और उन सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं या जो ग्रुप में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी कि कैसे पूजा करनी है या कोई भी सवाल जवाब हो। और जो कुछ खुशकिस्मत बचे हुए हैं वो जल्द से जल्दी ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि जगह बहुत कम बची है। और अभी मेरे पास कुछ देर पहले एक साध्वी का फ़ोन आया, उनकी भी मनोकामना पूरी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग भी आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी उनसे बात करवाऊँ या उनकी आवाज़ सुनवाऊँ। जी आपका आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने जो एक नाखून का बताया था यूट्यूब पे, जी तो वो मेरा कट का काम कर गया आपने जो बताया था। अच्छा अच्छा, आपको रिजल्ट आ गए? हाँ आपको रिजल्ट मिल गए? हाँ मुझे रिजल्ट तो दिखाई भी दे रहा है, मतलब पहले तो मुझे बात भी नहीं करता था, मैं तो मैसेज सेंड करता था, रिप्लाई भी नहीं होता था, कॉल भी नहीं करता, एकदम कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। अच्छा आपने कैसे किया ये बताइए। हाँ तो मैंने कैसे भी किसी भी तरह उससे मैं मिली, मतलब उसको एक एक दिन को मतलब एक दिन मिलने के लिए मैंने उससे बोला कि मुझसे मिलो करके वाला, तो मैंने कैसे करके अरेंज किया उसको मिलना, और उसको ऐसी बातों बातों में उसका ध्यान सीधा और फैला के उसके खाने मतलब ऐसे सूप में वगैरह, मैंने नॉन वेज रहता है ना सूप, चिकन मंचाओ सूप, हाँ हाँ मैंने उसमें मिलाया था, और उसने वो पी भी लिया था, उसको पता भी नहीं चला था। फिर उसके बाद एकदम उसका ना बिहेवियर भी चेंज हो गया था, एक एक दो दिन में मेरे को पता, मतलब सामने से मैसेज करने लगा, कॉल करने लगा वगैरह। अच्छा अच्छा मैंने मैंने उसको ये बोल के मिली थी कि मेरी शादी दूसरी जगह पे हो रही है, तो आखिर तक मुझसे मिलो करके। अच्छा ऐसे झूठ बोल के मैं उससे मिलने गई थी। अच्छा अच्छा किसी तरह की
कि ये अपना टोटका काम करे, वो मुझे अपना काम करके लेना था, इसलिए मैं उसको झूठ बोल के उसको जी जी प्यार में तो देखो झूठ सब कुछ चलता है, झूठ सच कैसे भी बोल के अगर आपने उसको हासिल कर लिया तो ये सब चलता है, प्यार और जंग में तो सब जाहिर है। अच्छा अच्छा कितना टाइम लगा आपको? 3 दिन में मेरा लग गया। 3 दिन में आपका काम हो गया? संडे के दिन मिली थी मैं उससे और आज मंडे ट्यूजडे, हाँ दो दिन में हो गया। अच्छा अच्छा तो आप एक बात बताइए, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, ये कैसे करना होता है आप एक बार बता दीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले, जैसे आपने किया वैसे बताइए। लोगों का तो मैंने आपके 2-3 वीडियोस देखे थे, 21 बार जाप करने का। नहीं ये जो आपने ये नाखून वाला जो किया है ये कैसे किया ये बता दीजिए। कैसे किया जी? आपने जो बताया था कि नाखून काटने के अपने पैरों के और हाथों के और उसको कपूर में डाल के उसकी राख बनाने की, राख बना के उसको 24 घंटे के भीतर उसको खाने में मिला के देने की, मतलब खाने में मिक्स करने की कैसे भी करके जी। तो ऐसे मैंने किया। अच्छा और आपका काम बन गया 3 दिन में? हाँ और एकदम आसान टोटका था, मतलब जैसे कोई मंत्र जाप नहीं था, कोई ध्यान लगाना नहीं था, कुछ भी, अक्सर अपन ध्यान लगाते अपने दिमाग में सब बातें चलती रहती है। अच्छा अच्छा और ध्यान कभी हट जाता है अपना, लेकिन ये जो नाखून वाला टोटका था वो एकदम बेस्ट टोटका है करने के लिए और हो भी जाता है। अच्छा लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग ये सर्च करते रहते हैं कोई आसान सा टोटका बिल्कुल इजी, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही टोटका चाहता हूँ कि नाखून बेस्ट टोटका है, क्योंकि अपन मंत्र जब लाभ करेंगे लेकिन अपने दिमाग में सारी बातें होती ही होती है, अपन कितना भी ध्यान लगाएंगे नहीं होता, क्योंकि मैंने भी खुद किया, मेरे 2-3 बार में फेल हुई हूँ ये सब में, लेकिन मेरे आखिरी में ये नील वाले में मेरे को मिल गया है। अच्छा अच्छा चलिए दिखाई भी दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और आपका काम बना, इसी तरह सभी का काम बने कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे और पूछना था जी, मैं ये वापस कर सकती हूँ स्टेट पर क्या, मतलब ये जो टोटका है वापस कर सकती हूँ या यही मुझे स्टॉप करना है? नहीं कर सकते हो, अगर उसके व्यवहार में अगर आपको कुछ फिर से अगर वो दूर हो तो दोबारा कर सकते हो। दोबारा कर सकती हूँ ना? तो देखा आपने किस तरह से लोगों के काम बनते हैं और आपके भी काम बनेंगे यदि आप सही तरीके से करेंगे। और देखिए हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले सभी प्रयोग मंत्र सही में काम करते हैं, इसमें दो राय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की, मन लगाकर काम करिए, यानी कि मन लगाकर आप अपनी पूजा अर्चना या कोई मंत्र जाप है या कोई टोटका है उसे करिए और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके काम बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आपका मन होना चाहिए, लोग अधूरे मन से काम करते हैं, मतलब चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, तो ये वाली बात यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको करना ही है, सच्चे दिल से करेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर करके बार बार बोल रहे थे कि गुरुजी आपकी वीडियो नहीं आई, तो मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है वीडियो। और एक साध्वी हैं जो मुझे 3-4 बार फ़ोन कर चुके हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता लेकिन मैं स्पेशली उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनका जो मोटिवेशन है जो मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई उस माता रानी या उस परमपिता परमात्मा या जिस भी आप किसी भी शक्ति को मानते हैं उसके प्रति उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ आप सभी ऊपर वाले से प्यार करने के लिए अग्रसर रहें, उसकी तरफ आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।